दिस इज बिजू दत्ता फ्रॉम साउथ टेक्नो गाइड। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं टाटा नेक्सन रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा टाटा नेक्सन का रियर व्यू कैमरा का इंस्टॉलेशन। जैसे मैं पहले एक कार डिवियर का इंस्टॉलेशन का वीडियो दिखाया था, उसमें भी दिखाया था कि टाटा नेक्सन में रियर व्यू कैमरा कैसे इंस्टॉल होता है, मगर ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ टाटा नेक्सन गाड़ी का ओरिजिनल जो कैमरा का पोजीशन है। जैसे कंपनी जो मॉडल में कैमरा देता है वहां पे जो ओरिजिनल पोजीशन में कैमरा लगता है वो जगह में हम कैमरा इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो ये जगह में आप सोच रहे होंगे कि ये जगह में अगर आप कैमरा इंस्टॉल करेंगे या होल्ड करके कैमरा लगाएंगे तो मे भी आपका गाड़ी का वारंटी जा सकता है, मगर ये चीज में टाटा से कंफर्म किया था। जैसे सर्विस सेंटर वगैरह में भी कंफर्म किया था, वो जगह में अगर आप कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो आपका गाड़ी का वारंटी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लैक पोजीशन है ये एक एक्सटर्नल पार्ट है, इसको आप निकाल भी सकते हैं या डैमेज भी हो गया तो सर्विस सेंटर में भी उसका पार्ट आपको मिल जाता है। तो आप अगर सोचते हैं वही जगह में कैमरा लगाना है तो आप पहले एक बार टाटा का सर्विस सेंटर में पता कर लीजिए, वो पार्ट के ऊपर अगर आप लगाते हैं कैमरा तो आपका वारंटी वर्ड होगा या नहीं। या अगर आप टाटा के सर्विस सेंटर में जाते हैं या उसका शोरूम में एक्सेसरीज लगाने जाते हैं, अगर आप बोलते हैं वो जगह में आपको रियर व्यू कैमरा लगाने के लिए, तो वो भी लगा के आपको दे सकते हैं, मगर वो थोड़ा कॉस्टली जाता है आफ्टर मार्केट से, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैमरा लगा के आपको दिखाऊंगा वो पोजिशन में उसका कैमरा का विजिबिलिटी जो है वो कैसे आता है। जैसे मैं पहले उसका नीचे के हिस्सा में जो बम्पर है वहां पे लगाया था, उसका कंपेयर में वो ओरिजिनल पोजीशन में अगर हम कैमरा लगाते हैं तो ये दोनों में फर्क कितना आता है मैं लास्ट में स्क्रीन में आपको दिखाने वाला हूँ। तो जो दो कैमरा का विजिबिलिटी है तो किसका अच्छा आता है, तो आप खुद भी देख के कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसका इंस्टॉलेशन। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जो भी नया वीडियो आएगा अब तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये है हमारा कैमरा जो हम नेक्सन में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये मैं शॉप से परचेस किया था, तो यहाँ पे उसका स्पेसिफिकेशन आप पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स उसका लिखा गया है, जैसे कि ये नाइट विजन कैमरा है और यहाँ पे वाटरप्रूफ है, कलर डिस्प्ले, हाई रिजोल्यूशन एंड वाइड व्यू एंगल। तो अभी इसको ओपन करते हैं। तो पहले यहाँ पे आपको दो वारंटी कार्ड मिलता है, एक डीलर के पास रहता है और एक आपके पास रहेगा। तो ये कैमरे का कंपनी जो है ये मुंबई का है। और यहाँ पे हम उसका कंटेंट देखते हैं, तो यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन गाइड है। तो यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट जो कैमरा है, तो इसको हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैमरा सेम टू सेम नेक्सन का ओरिजिनल कैमरा जैसा ही है। और यहाँ पे उसका बीट मिलता है जो कि आप ड्रिल मशीन में लगा के होल्ड कर सकते हैं, तो बीट कुछ ऐसा ही है। और लास्ट कंटेंट जो है वो वायरिंग के लिए यहाँ पे केबल दिया गया है। तो यहाँ पे उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये जो पर्सन है ब्लैक कलर का, ये कुछ क्लिप में अटैच है, तो ये देख सकते हैं उसका क्लिप है। ये क्लिप को निकाल के वन साइड उसको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो नॉट के थ्रू में वो ब्लैक पर्सन जहाँ पे कैमरा लगाएंगे वो दो नॉट में अटैच है और कुछ क्लिप में अटैच है, तो दो नॉट को पहले हमको रिमूव करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे वो ब्लैक पर्सन जो है उसका आधा निकालेंगे, उसके बाद वहाँ पे जो सेंटर है वो सेंटर में ड्रिल करके कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा। तो देखिए इसको धीरे धीरे निकालने से वो क्लिप जो है वो निकलता है, और यहाँ पे इसीलिए निकाला जाता है कि जो फैब्रिक का वायर है वो इजीली इंस्टॉल हो पाए। तो यहाँ पे ड्रिल मशीन में उसका जो दिया हुआ बीट है उसको लगाना पड़ता है। तो उसका सेंटर देख के ड्रिल किया जाता है जिससे कि कैमरा वहां पे इजीली इंस्टॉल हो पाए। तो देखिए यहां पे कैमरा के लिए ड्रिल हो गया, तो वहां पे कैमरा को इंस्टॉल किया जाता है। तो कैमरा आधा इंस्टॉल हुआ है, उसके बाद उसका वायरिंग होता है। वायरिंग कंप्लीट होने के बाद कैमरा को जस्ट पुश कर देना है।
तो यहाँ पे ये जो रबर पर्सन है इसके थ्रू में वायरिंग जाता है। तो आप कोई भी एक्सेसरीज शॉप के पास जाएंगे तो इजीली वो इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रबर के थ्रू में वो कैसे वायर को निकालते हैं। और सेकंड जो वायर है कैमरा से जो आता है तो वायर को इसके अंदर लेना पड़ता है, इसीलिए वो वायर को वहां से वो निकाल देते हैं। उसके बाद उसको जॉइंट के लिए इंसुलेटर टेप लगाया जाता है। आप अगर रियल व्यू कैमरा लगाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा आपका सभी वायरिंग के ऊपर इंसुलेटर टेप लगना जरूरी है, नहीं तो फ्यूचर में शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो देखिए यहाँ पे वो इंस्टॉल हो गया। अभी वो ब्लैक पर्सन का दो नॉट जो है उसको टाइट कर देंगे। तो एक नॉट टाइट हो गया तो अभी दूसरा नॉट जो है उसको भी टाइट कर देंगे। तो देखिए अभी दो नॉट टाइट हो गया, तो अभी कैमरा को जस्ट पुश कर देंगे। तो देख सकते हैं अभी कैमरा प्रॉपर जगह में इंस्टॉल हो गया है। तो उसके बाद जितना भी वायरिंग है उसको इंसुलेटर टेप लगा देते हैं, क्योंकि वो वायर अगर खुला छोड़ते हैं तो वो बॉडी में टच होगा तो गाड़ी चलने के टाइम में आवाज़ भी आ सकता है, इसीलिए उसको इंसुलेटर टेप लगा देते हैं। उसके बाद जितना भी क्लिप निकाले थे वो क्लिप को यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कैमरा हमारा इंस्टॉल हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये कैमरा को आप देख सकते हैं ये कितना वाइड एंगल है। यहाँ पे तीन पार्किंग जो है वो यहाँ पे कवर करता है कैमरा, मगर यहाँ पे और एक कैमरा मैं लगाया हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओनली वन पार्किंग स्लॉट जो है वो कवर करता है। और यहाँ पे ये जो दो लाइन बीच में है ये मूविंग लाइन है, जैसे कि अगर आप स्टेयरिंग घुमाते हैं तो भी ये लाइन मूव करता है। तो मैं उस टाइप का ही कैमरा लगाया हूँ, आप नॉर्मल कैमरा लगा सकते हैं या मूविंग कैमरा भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये गाइडलाइन रहता है, देखिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसका वाइड एंगल से वो आपको पहले पता चल जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे से है। और इसमें कैमरा का क्लैरिटी भी आप देख सकते हैं कितना क्रिस्टल एंड क्लियर आता है। तो अभी हम एक अंधेरा जगह में गाड़ी पार्किंग किए हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। गाड़ी यहाँ पे देखिए, गाड़ी यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ये कैमरा का क्लैरिटी कैसे आता है। तो अभी हम गाड़ी के अंदर जाते हैं। तो अभी मैं रिवर्स कैमरा को ऑन कर दिया हूँ, मीन्स गाड़ी में रिवर्स गियर डाल दिया हूँ। तो आप यहाँ पे क्लैरिटी देख सकते हैं, पूरा अंधेरे में भी आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ क्लियर एंड क्रिस्टल आपको दिख रहा है। तो साइड में जो कैमरा लगा है उसका कंपेयर करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्लियर आपको दिख रहा है। तो आज का ये टाटा नेक्सन का रियर व्यू कैमरा का इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक मेरा चैनल देखते रहिए। साउ टेक्नो गाइड आपका दिन शुभ।